खाना कैसा बनाया बेटा? बहुत अच्छा है, मजा आ गया। मैं वहाँ से आया हूँ जी, पूछा पंडित। अच्छा हाँ, पूछा पंडित से आया, मुझे पता चला यहाँ पर एक लाला ने बताया गंगा माँ 1 रुपए में खाना खिलाया जाता है। अच्छा, तो मुझे यकीन नहीं था। अच्छा, अब जो मैं आया था यकीन हो गया, यकीन हो गया 1 रुपए में खाना मिल रहा है, यानी 1 रुपए उम्र दराज है। क्या बात है, उसकी जिंदगी की जिसने भी ये चालू कराया। तो दोस्तों ये होती है दुआ, निगारे आलम जिसको खुशियाँ थी, जो 1 रुपए में लोगों का पेट भरवा रहा है वो। भाई आशा जन रसोई, एक आशा एक जन रसोई, 1 रुपए में थाली अनलिमिटेड वाली। दोस्तों खा के देखो कि टीम आ गई है आज जन रसोई पे, जहाँ पे मिलती है केवल 1 रुपए की थाली। और हम खड़े हुए हैं अभी शाहदरा के पास में, कैलाश नगर में, और यहाँ पे मिलता है, सबसे पहले लेना पड़ता है टोकन 1 रुपए का। देख लेते हैं, तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे गौतम गंभीर फाउंडेशन के थ्रू चलाई जाती है ये। मैडम कितना टाइम हो गया इसको चलते हुए यहाँ पे, इस फाउंडेशन को, इस सेवा को? 24 दिसंबर 2020 से। क्या बात है, तो अभी मतलब लेटेस्ट ही खुला है, आप देख सकते हैं 4 या 5 महीने हुए हैं। और 1 रुपए में अनलिमिटेड थाली, जितना भी बंदा खा सकता है उतना ही मिलेगा, और जो टोकन होता है वो यहीं से लेना होता है। टाइमिंग्स और जरा बता दीजिए हमें, अगर यहाँ पे आने के लिए टाइमिंग्स क्या होते हैं? टाइमिंग है 12 से 2, 12:30 बजे से 1:30 बजे तक टोकन मिलता है, और 2 बजे तक यहाँ पे खाना सर्व होता है। बहुत ही बढ़िया। तो कॉन्ट्रीब्यूटर सिर्फ इसमें गौतम गंभीर जी हैं या फिर और भी लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें फाउंडेशन के थ्रू? सिर्फ फाउंडेशन है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये है इनका टोकन बॉक्स, यहाँ से लेना पड़ता है आपको टोकन। और ये देखिए आप साथ में देख रहे हैं, अंदर जाना पड़ेगा आपको इसके लिए। और अगर आपको इसकी लोकेशन चाहिए तो गूगल मैप्स की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो कवर करके आ सकते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना बहुत सारे लेबर मजदूर वगैरह काम करते रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं और स्मॉल शॉप्स हैं जिसके, जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, और वो सभी लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। तो चलिए चल के अंदर आपको दिखाते हैं कैसे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अंदर, और अंदर चल के दिखाते हैं आपको कैसे ये फाउंडेशन काम करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे आगे भगत सिंह की फोटो लगी हुई है, और यहाँ पे क्यू लगी हुई है, लोग खा रहे हैं अपना, एंजॉय कर रहे हैं अपना खाने को आराम से। बहुत ही बढ़िया तरीके से इनकी किचन है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। क्या बात है, थाली ऑलरेडी रेडी पड़ी हुई है इनकी, आप देख सकते हैं कि आज मेन्यू में क्या है, क्या क्या है भैया आज यहाँ पे खाने का? छोले चावल है और सलाद है। सलाद 3 महीने हुए हैं, 3 महीने पुरानी ये जगह है। अच्छा, तो आज है छोले चावल, तो और बाकी दिन क्या मिलता है, जैसे और बाकी दिन का मेन्यू क्या रहता है? अब तो आप लेट आए क्योंकि खत्म हो चुका है। ओके, और जैसे हर दिन पर डे बदलता रहता है, पर डे के हिसाब से मेन्यू चेंज होता रहता है। कितने लोग खाते हैं एक बार में यहाँ पे खाना, एक लंच में? 600 लोग एक दिन के अंदर, 600 लोगों का पेट पूजा करती है ये जगह। क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छी मुहिम है। और यहाँ पे लिखा हुआ है वादे नहीं इरादा लाया हूँ, ना मंदिर से आरती, ना मस्जिद से आजान लाया हूँ, ना राम से वास्ता, ना मोहम्मद की दुआ लाया हूँ, इंसान हूँ इंसान के लिए तो रोटी लाया हूँ, वादा नहीं इरादा लाया हूँ। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात बोली हुई है। तो अभी चल के दिखाते हैं, लोगों के रिव्यूज लेते हैं, और देखिए आप लोग लग कर यहाँ पे खाना खा रहे हैं खुशी से, और भरपेट खाना मिलता है 1 रुपए में। ठीक हो अंकल जी, खाना ठीक हो ना, आपको भी ठीक लगा खाना, पेट भर जाता है 1 रुपए की थाली में? बढ़िया है, डेली यही खाते हो? दोस्तों डेली लोग यहाँ पे लग कर खाते हैं, और बढ़िया से 600 लोगों की थाली, और 600 लोगों का पेट भरता है दिल्ली जैसी जगह पे, जहाँ पे लोगों को रोटी की कमी लगती है, तो लोग यहाँ पे खा रहे हैं। भाई साहब खाना ठीक बना है? बहुत बढ़िया बना है, डेली यही खाते हो? क्या क्या मिलता है ऐसा खाने में? आज तो छोले चावल हो गए, राजमा चावल, कभी राजमा चावल होते हैं, रोटी वगैरह भी मिलती है यहाँ पे? अच्छा,
खा रहे हैं, अपनी मील को एंजॉय कर रहे हैं। एक खाने किसी खाने खिलाने से बढ़िया कोई सेवा नहीं होती है, और बहुत ही बढ़िया सेवा भैया ने चालू कर रखी है। भाई सब ठीक हो? खुशी से खाना ठीक है, बढ़िया लगता है यहाँ पे? कितने टाइम से आ रहे हो? डेली आते हो? काफ़ी टाइम हो गया मतलब खाते हो यहाँ पे? तो रोटी वगैरह भी देते हैं लोग? चावल मिलते हैं सर। देखिए 1 रुपए की थाली, राइस के साथ में छोले, और अगर आपको कमी पड़ती हो एक थाली में तो दोबारा से ले सकते हो, जितना मर्जी चाहे, आपका पेट भर जाता है उसमें। क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवार पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया, आज वो इंडिया की दिल्ली की सड़कों पर रोटी लोगों को सर्व कर रहे हैं सिर्फ 1 रुपए में। वो थाली जो मतलब लोग सोच भी नहीं सकते 1 रुपए में, देखो इस 1 रुपए से खाना तो बन नहीं रहा ऑब्वियसली, इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हो अभी जनरली 2 बज चुके हैं और 2 बजे के बाद ये लोग सर्व नहीं करते, लेकिन कुछ के लिए भी क्यू लगी हुई है, वेटिंग है, और आराम से इनको भी मिल जाएगा। खाना खाने आए हो बेटा? डेली खाना यहीं खाते हो? तो लेट हो गए आज, तो लेट होने में भी खाना मिल जाता है यहाँ पे आपको। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं ये, जो मतलब 1 रुपए में अपनी थाली, इनका पेट भर जाता है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और खाना बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से सर्व होता है। दिखाते हैं अभी आपको इनकी किचन बाहर से थोड़ा सा, जितना आप तो आपको शो कर सकते हैं। तो ये इनका खाने का काउंटर है, एक बड़ी दूरी बनाए रखें। तो ये देखिए भाई, ये बन के आ चुकी है थाली छोले और चावल की। टेबल भी बार बार क्लीन कर रहे हैं ताकि कोई भी डस्ट वगैरह ना रहे, कुछ भी मतलब उस तरीके से बहुत हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं ये, ना कि सिर्फ 1 रुपए में खाली दे रहे हैं, हाइजीन खाना परोस रहे हैं ये, और जो कि बहुत बड़ी बात है दिल्ली में पैसे परोसना इतनी 1 रुपए की कीमत में। आई एम श्योर 1 रुपए में इनकी पूरी कॉस्ट भी नहीं निकल पाती होगी। खाना कैसा बनाया बेटा? बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। एक वक्त की रोटी तो गौतम गंभीर जी ने यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड करी है, तो आप भी आकर के यहाँ पे उस रोटी को लुफ्त उठा सकते हो, उसको खा सकते हो और अपनी पेट पूजा कर सकते हो। तकरीबन 600 लोगों का डेली पेट भरा जाता है यहाँ पे। भाई साहब ठीक हो आप? आप दूर से आए थे काफ़ी? मैं वहाँ से आया हूँ जी, पूछा पंडित। अच्छा हाँ, पूछा पंडित से आया, मुझे पता चला यहाँ पर एक लाला ने बताया गंगा माँ 1 रुपए में खाना खिलाया जाता है। अच्छा, तो मुझे यकीन नहीं था। अच्छा, अब जो मैं आया था यकीन हो गया, यकीन हो गया 1 रुपए में खाना मिल रहा है, यानी 1 रुपए में चावल यहाँ पर छोले हैं, वो राजमा है और चावल, छोले हैं और चावल है। हाँ छोले, छोले छोले। तो आप खा के दिखाइए, बताइए स्वाद कैसा है, आपने पहली बार खा रहे हैं तो हमें लगेगा कि हमने खाना खा लिया, आपने खाया तो आप भी खाओ। नहीं नहीं आप खाइए। तो बहुत जबरदस्त फूल का काम करा है, जिसने भी किया भाई, मालिक उसको उम्र करा दे, क्या बात है उसकी जिंदगी की, जिसने भी चालू करा है। तो दोस्तों ये होती है दुआ, निगारे आ रहा हूँ, मेरे को खुशियाँ दे रहा, पेट भरवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े दूर से आ रहे हैं लोग खाने के लिए, बड़ी दूर से आते हैं, क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात करी है, बहुत ही ज़्यादा उम्र बढ़ते मतलब इनको आशीर्वाद दिया है, खुशियाँ मिले हैं बच्चों की, खुशियाँ पोता पोती नमाज भाइयों। देखो दोस्तों, अगर आप मंदिर में दान देते हो तो उसका एक अलग वो है, लेकिन अगर आप किसी का पेट भरते हो तो उसके मंदिर से जो दुआएं निकलती हैं तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये दुआ जो मिल रही है गौतम गंभीर जी को, वो बहुत ही बड़ी है, मतलब दिल्ली की तरफ से पूरा प्यार मिल रहा है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। दुआ अल्लाह ताला इसको खूब दे, परवर दिगारे आलम, और ये ऐसे ही बांटता रहे बच्चा। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ में, और आज के लिए इतना ही।